हाय गाइस, सो कल इनका बर्थडे है एंड राइट नाउ इट्स 11:24। सो सेलिब्रेशन वगैरह तो हम कल ही करेंगे, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ। तो मैंने अभी से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है, अभी जस्ट हम 12 बजे विश करने वाले हैं उनको, और मैं छोटा सा एक गिफ्ट दूंगी उन्हें, बाकी सेकंड गिफ्ट कल दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो 12 बजे विश करते हैं फिर जल्दी जल्दी। द फर्स्ट थिंग जो मैं उनको देने वाली हूँ दैट वाज दिस प्रिटी रोज। सो इसमें मैंने एक मिनी सा लव लेटर भी लिख कर डाला है, तो सबसे पहले मैं उन्हें यही देने वाली हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुकू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उठ गए आपके पापा भी उठे थे, अच्छा इन्वेटर। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। बट इसमें कुछ है आपके लिए, मैं सूरज तू सांझ। अरे फोन भी आ गया। ओके सो फर्स्ट बर्थडे विश आ गई। हेलो मम्मी, मुबारक है आपके काके के बर्थडे की। पापा आपको भी मुबारक हो। बस हम सक्षम का फोन आया है, अभी सोने लगे थे। थैंक यू। जागा हुआ क्या? सबसे पहले इसमें कुछ है आपके लिए, दिस वन। कुर्सियां बनाई हैं। चलो अब इसको खोलो। अभी जल्दी जल्दी से ना खा के अपना क्यूट क्यूट सा स्माइल दे दो मेरे को। तो गाइस मैं बना रही हूँ इनके बर्थडे का व्लॉग, बाकी वाला सारा कल बताऊंगी, आज के लिए इतना ही था। तो अभी जल्दी जल्दी इनको चॉकलेट खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डुगू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको फ्रीजर में रख दे, अभी मैं खा लेता हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है और मैंने शॉवर टेक कर लिया, तो अब हम चलेंगे किचन में कुछ खाना बनाने के लिए। सो बर्थडे बॉय हमारे लेटे हुए हैं अभी भी, तो आज इनको थोड़ा बाहर भी जाना है सो कुछ काम से, तो अब हम लोग आ गए किचन में। अब हम बनाएंगे खाना, तो आज खाने में बनाएंगे हम वाइट चना, ठीक है, वाइट चना और साथ में रोटी। सो जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो दिस इज़ द चना जो मैंने अभी बनाया। दो ऐसे टेस्टी ठीक। सो नाउ ये चले गए एंड अब हम करेंगे सफाई अभियान, जो कि मेरे कमरे में बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। एज यू कैन सी ऑल मेस ऑफ माई मेकअप एंड ऑल, सो बाहर भी नीड है ज़्यादा ही, तो अब हम करेंगे सफाई क्विकली। हाय गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 1 PM एंड सफाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अभी मैं मम्मी और उनके रूम की सफाई कर रही हूँ और अभी हमारा अंदर वाला जो सेक्शन है वो पूरा मेस्ड अप हुआ हुआ है, उसको भी करना है, सो टाइम लगेगा। तो पहले मम्मी और उनका रूम क्लीन कर रही हूँ और सामान मम्मी और उनके रूम का बाहर निकला हुआ है, वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो किचन का डिपार्टमेंट हमारी मम्मी का था और मम्मी ने अच्छे से हर चीज को चमका दिया है। बस तो हियर आई हैव दिस 2 गिफ्ट्स फॉर हिम। फर्स्ट वन इज दिस, तो इसमें क्या है वो आपको तभी पता चलेगा, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। Hi guys, so I'm just done with all the spice. So मुझे almost 4-5 घंटे लग गए पूरी सफाई करने में। अभी मैं इतनी ज़्यादा tired हो गई हूँ कि मेरी ये जो tips हैं बहुत ज़्यादा pain कर रही हैं। और अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी 4 ऑलरेडी बजने वाले हैं, तो अब जल्दी जल्दी जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह करना है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। So let's go. तो मेरी शक्ल आप देख ही रहे होगे, बुझे हुए चिराग की तरह लग रही है फिलहाल। तो यस, डन विद दिस बैलून्स। एंड नाउ आई एम डन विद हाफ डेकोरेशन एंड अब मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए पापा जी के साथ, तो केक लाती हूँ जल्दी जल्दी,
फिर बाकी की डेकोरेशन जो बच गया वो भी पूरी करेंगे। सो यस, आई एम नॉट वेयरिंग लिपस्टिक बिकॉज मास्क आएगा। केक लेके आ गई हूँ और मैं कौन सा केक लाई हूँ वो मैं आपको रात को ही दिखाने वाली हूँ। सो केकीज का केक लाया है, अब है कौन सा वाला है वो रात को ही पता चलेगा आपको। सो अब जो बाकी की डेकोरेशन है वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मेरी कुछ डेकोरेशन जो किए हुए वर्ड्स थे वो बार बार नीचे गिर रहे थे, तो फिर से मुझे लगा कि फिर से एडजस्ट करूँ, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर करके लगाया। वापस से जब मैंने एडजस्ट किए हैं, अब देख सकते हो कि मैंने थोड़े ऊपर करके लगाए हैं। एक्चुअली पापा ने भी सजेस्ट किया कि अच्छे नहीं लग रहा था नीचे, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके लगाया है इनसाइड। सो ऑल द डेकोरेशंस वर डन एंड नाउ आई एम इन द किचन। जो किचन का काम रह गया वो खाना वाना बनाने के लिए। सो डेकोरेशन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। एंड लिप शेड के लिए अगर आप पूछना, मतलब मुझे पता आप लोग DM करोगे। सो इट्स फ्रॉम माई ब्रोमेट एंड इसकी शेड है LG01। तो अब हम जल्दी से खाना बनाते हैं। सो दिस इज द डेकोरेशन दैट आई डिड एंड ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे, विश भेज दो नहीं तो। So meet our guests. Hi, hello. So he's Saksham Verma. And meet my nanan. इनको तो आपने देखा ही होगा, हमारी वीडियो वायरल हुई थी काफी ज्यादा। हाँ, हमने केले ही खिलाने, केक नहीं खिलाना, मैंने नहीं खाना। और ये हमारी प्यारी सी मम्मी केले बांट रही है, केले बांट रहे हैं सबको। और ये रही मेरी बड़ी दीदी जो कि अपने बच्चे के लिए दूध डाल रहे हैं सक्षम के लिए। और मैं जीजू लोग से आपको बाद में मिलवाऊंगी। तो डिशेस सबसे पहले बनी है अरबी दही वाली, और उसके बाद राजमा, उसके बाद पनीर इन प्रोसेस है, मैं बना रही हूँ अभी। और साथ में दही है, दही को फ्रिज में लगा दिया रेफ्रिजरेट करने के लिए। सो सब कुछ देख लिया आपने, अब केक कटिंग। और यहाँ पे मेरा पनीर भी रेडी हो चुका है, और तो ऑलमोस्ट सारा खाना बन ही गया है। बस हमने लास्ट में नान बनाने हैं, तो नान मम्मी जी बनाएंगे। और 9 बजे हम केक कटिंग करने वाले हैं, तो मिलती हूँ आपसे वहाँ पे। मेरी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू, आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। सो ये हमारा केक है। वाह, बहुत सुंदर है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mamu. Happy birthday to you. Krishna, to Krishna. Krishna kyun kar raha hai? To ubhi ho raha. Nada hi bani aa gaya. Usse mod kitna tha? Khali khali beta. क्या हो गया?
कमरे ने सक्षम को वो है, मैं कब दूं गिफ्ट? सक्षम गिफ्ट देगा अभी, अभी सक्षम बोल रहा है मेरा खोल के देखो। चलो सक्षम, अरे वाओ, दिशा पकड़ाओ फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। कोई नहीं चिंद तो दावत चल रही है अब हमारी, एंड आई एम गोना ईट दिस दीपक दी मिट गया। सेलिब्रेशन हाँ मेरा गिफ्ट ओपन हो रहा है, गिफ्ट नंबर वन सक्षम का ओपन हो गया। अरे वाओ सो स्वीट, मारा परफ्यूम मामू आप पहुंच ही गए होगे, मुझे पता चल गया है। ये है मेरा गिफ्ट, इट्स अ प्रोजेक्टर। सो फाइनली बर्थडे इज ओवर नाउ, एंड अब हम सब सोएंगे, एंड है ना सक्षम? ये yeah.
मजा आया? और ये है हमारा भाई आज मेरे मामू का बर्थडे है। क्या था आज? आज मेरे मामू का बर्थडे है तो ये गिफ्ट नीचे करो, यहाँ पे करो, ये हमारा गिफ्ट है आज मामू का बर्थडे है। मामी ने कैसी डेकोरेशन की थी? अब तो आपने उतार के, सक्षम ने यहाँ सब कुछ उतार दिया है और यहाँ शिफ्ट कर दिया इसने, सत्यानाश कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कि हद से ज़्यादा, इसलिए मेरे एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने देना, मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा ये लगा मेरा व्लॉग, और मैं और नए नए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी और आप लोग जूस पी लो। ओके बाय बाय, आई होप यू लाइक दिस, बाय, टेक केयर। सबसे पहले ये वाला खोल दो, ये खोल दो। ओके तो गिफ्ट्स ओपनिंग होने वाली है, तो सबसे पहले गिफ्ट खुल रहा है सिमी दीदी का। So what's inside? नहीं, ये लास्ट में वो वाला वो खोलेंगे अभी, ये स्टफ अच्छा है, ये वाला डिफरेंट है, वो नहीं है। क्या अलग स्टफ है? चलो ये शर्ट है, शर्ट का कलर प्यारा लगा था मेरे को, ऐसे आपके पास है भी नहीं है ना शर्ट कलर। चित्रकारी, कैसा लगा आपको गिफ्ट? अच्छा। क्या हुआ? क्या अब नेक्स्ट ये वाला खुलेगा, जल्दी खोल, जल्दी जल्दी जल्दी। खुल ही नहीं रहा, मुंह से चिटरे फाड़ रहे। तू फाड़ दे यार, वो अलग है। ओके सो ये खुल रहा है दिशु का गिफ्ट। मम्मा का, ओके मम्मा का गिफ्ट खुल रहा है, बट है ये दिशु का ही है। यार दे मैं खोलती हूँ, इतनी मुशक्कत कर रहा है तू। खुला तेरे से अभी भी नहीं। और ये हमारी गुड़िया को आज नींद नहीं आ रही है और ये बिल्कुल अपने घर पे नहीं जा रही है, इसको बाहर आना है, बस पंगे लगे हुए हैं इसको। चल सक्षम तू महीना लगा गया यार, मुझे महीना लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? चल खोल। अरे वाह, इस मैडम को देखो कहाँ जा रही है ये। चल अब मेरा खोल दे, मेरा खुला ही हुआ ऑलरेडी। सो दिस इज माई गिफ्ट, लास्ट गिफ्ट। से पहले मैं ये दिखा दूंगा आपको कि ये मैडम सीधा मेरे सर पे जाके बैठ गई है और कहीं इनको आराम नहीं लगा नीचे। तो गाइस देखो ये था मेरा गिफ्ट, इट्स अ जॉगर एंड अ शर्ट। एक गोड्डा बनाओ। यस, जो आपके गोड्डे निकल जाते हैं ना बाहर वो नहीं निकलेंगे। शर्ट ये गोवा वाली है, गोवा जाना पड़ना। अब गोवा जल्दी जल्दी ट्रिप कर लो गोवा की।
ओके गाइस, तो ये था एंड मेरी वीडियो का। आई होप आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगेगा।